वेल well, हेलो दोस्तों वेलकम टू रेड ब्लड म्यूजिक प्रोडक्शन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटो ट्यून के बारे में बेसिकली हम इस वीडियो में ट्यून के ऑटो मोड के बारे में बात करने वाले हैं और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसकी उसमें हम उसके ग्राफ मोड के बारे में जानेंगे तो पहले हम ऑटो ट्यून ओपन कर लेते हैं तो देखिए ये है इसका ऑटो मोड ये है इसका ग्राफ मोड आज हम इसके ऑटो मोड के सारे नोब्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा नोब कैसे कैसे काम करता है और आप कैसे इसे एक प्रो की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और एक बात और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रा उस सब्सक्राइब के बटन पर भी थोड़ा गौर कर लें तो चलिए दोस्तों जैसे कि हमारा ये वोकल है जो बिना ऑटो ट्यून के है सुन लीजिए ज़रा इसे वफा मतलब के लिए अब लेते हैं क्यों सभी इस पे मैंने रीबर वगैरह बाकी सब चीज़ें लगा रखी हैं सिर्फ ट्यून करना बाकी रहता है इसे तो ट्यून के लिए हम क्या करेंगे हमने ले लिया ट्यून इसका स्केल है ई माइनर हम इसका स्केल चूज कर लेंगे और ई माइनर हो गया और बेसिकली जो बिगिनर्स करते हैं बस स्केल चूज़ किया इसे फुल किया और पिच फुल किया बस खत्म और उनके हिसाब से ट्यून हो गया बट ये कैसा साउंड करता है अभी हम देख लेते हैं, वफा मतलब के लिए अब लेते हैं सभी? तो ये थोड़ा साउंड कर रहा है ये उतना प्रोफेशनल नहीं कर रहा साउंड जितना करना चाहिए तो हम पहले नोब्स के बारे में जानेंगे फिर हम अपने वोकल पर काम करेंगे तो एक इसके हर एक नोब की मैं आपको जानकारी दे देता हूँ सबसे पहले हम शुरू से शुरू करते हैं इनपुट टाइप इनपुट टाइप क्या होता है जैसे कि हमारा जिस तरह का हमारा सिंगर है वो ऊंचे स्वर में गाने वाला है या नीचे स्वर में गाने वाला है ये डिपेंड करता है इनपुट टाइप पे और फीमेल है या मेल वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी सिंगर फीमेल है और वो हाई स्केल में गाती है मतलब ऊंचे स्वर में गाती है तो उसे सुपुरानो सेलेक्ट करना चाहिए आपको उसके लिए और अगर आपका सिंगर मेल है और वो भी ऊंचे स्वर में गाता है तो उसके लिए आपको टेनोर सिलेक्ट करना चाहिए तो इसमें अल्टो और और दे रखा है अल्टो का क्या काम है वो मैं आपको अभी बताऊंगा तो आप मेल के हाई मतलब मेल के ऊंचे स्वर के लिए आप टेनोर सिलेक्ट कर सकते हैं और अब बात है निचले स्केल की तो अगर आपकी फ़ीमेल है और वो निचले स्केल पर गाती है तो उसके लिए आप अल्टो सिलेक्ट कर सकते हैं टेनोर या अल्टो दोनों में से ये मतलब एक ही है और आपका मेल है और वो निचले स्वर पर गाता है नीचे स्वर पर गाता है तो उसके लिए आप लो मेल सेलेक्ट कर सकते हैं इससे क्या है ऑटो ट्यून आपके वोकल के हिसाब से बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ला के देगा तो इनपुट टाइप तो आपको पता चल गया और बाकी के जो ये दो ऑप्शन बचे हैं ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हैं और एक बेस के लिए है तो आप बेसिकली मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल जो लोग हैं जिन्होंने अभी अभी ऑटोटून सीखा है वो इंस्ट्रूमेंट इस पे यूज़ करेंगे आगे की वीडियोज़ में मैं इनके बारे में बताऊँगा कि इन्हें कैसे हम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं फिलहाल की वीडियो में आप बस इतना जान लीजिए कि वोकल्स पर कैसे काम होता है और नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रैकिंग पे बेसिकली ट्रैकिंग होती क्या है ट्रैकिंग जैसे कि इसका और इसका आप लिंक लगा सकते हैं आपके वोकल से कि आपके वोकल को कितना करेक्टली वो पकड़ेगा कि अगर आपके मेल ने मतलब बेसिकली ये तो हाई है तो मेल है मेरा तो मैं इसको टेनो सेलेक्ट करूँगा ये आपको ये आपका डिटेक्ट करेगा मेल का जो वोकल है कि उसे कितना एक्यूरेटली उसने हाई स्केल पर गाया है तो इसे आप 50 पर ही रहने दें हर सॉन्ग के लिए 50 बहुत है अगर आप इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो शायद आपका सॉन्ग थोड़ा सा खराब हो सकता है तो 50 इसका बेस्ट सेटिंग होती है तो आप उसी पर रहने दें और अब जब हम चलते हैं सिलेक्ट पिच रेफरेंस पर तो ये क्या है ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता इस बारे में और इसे हम इग्नोर कर देते हैं जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसे इग्नोर नहीं करना है तो बेसिकली इसका यूज़ भी इतना कुछ होता नहीं है अगर आपके वोकल्स मोनो हैं तो आप इस पर करें या इस पर ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं उसका बेसिकली राइट right पर रखें तो ज़्यादा ठीक है और जो डिफ़ॉल्ट मिलता है वो भी ठीक है पर अगर आप देखिए अब जैसे कि हमारे वोकल जैसे कि आप मिक्स क्राफ्ट यूज़ करते हैं अगर आप मिक्स क्राफ्ट यूज़र या फिर कोई और डो यूज़ करते हैं और उसमें आपके वोकल्स ऐसे स्टेडियो में आते हैं तो आपको क्या करना है जैसे कि स्टूडियो में ऐसी स्टेडियो बना के दिखाता हूँ यूनिक करके इसे कर देते हैं चैनल वन में उसे चैनल टू में यहाँ पर हम ट्यून लेंगे और सेम सेटिंग्स जो उसमें हमें की हैं वही करेंगे फ़िलहाल और इसमें हम अपना स्केल चूज करेंगे माइनर हम देख लेते हैं एक बार हमने क्या सेटिंग की है फुल 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 कर देंगे इसे और जैसे कि हमारा वोकल वो लेफ्ट में है तो इसे लेफ्ट पेन कर देंगे और ट्यून में सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट और इसे राइट right में कर देंगे और ट्यून में सिलेक्ट करेंगे राइट right, तो इससे क्या होगा तो ये बेसिकली मैंने अभी बताया आपको ये स्टीरियो वोकल्स के लिए है कि ताकि स्टीरियो वोकल्स में अच्छे से ऑटोटून का इफेक्ट दे पाए तो ये स्पेशली उसी के लिए यूज होता है मतलब तो आपके स्टेडियो वोकल्स हैं

ये आप इसे इफ़ेक्ट ख़राब होना कह सकते हैं या फिर इसे कोई नया इफेक्ट आना कह सकते हैं वो आपके सोंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा किस टाइप का सॉन्ग बना रहे हैं तो फिलहाल हम इसे डिलीट कर देते हैं और नंबर टू वाला ही रख लेते हैं हम चलते हैं आगे इनका तो आपको पता ही है कि जितनी भी हम हमें जितने भी यूज़ करनी होती हैं सब इसमें हैं और स्केल्स जितने भी हमारे अवेलेबल हैं म्यूज़िक में सब इसमें आपको मिल जाते हैं बेसिकली हम मेजर माइनर और क्रोमेटिक का ही यूज़ करते हैं नॉर्मल में बाकी सब हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हैं और कुछ अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स के लिए हैं वो हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ट्रां इसकी डिट्यून की बात कर लेते हैं डिट्यून का बेसिकली आप चाहें तो ये ना के बराबर दे रखा है इसमें के मतलब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी क्योंकि जैसे कि हमने रिट्यून किया है उसी का उल्टा आप लगा लीजिए डिट्यून है कि उसकी फ्रीक्वेंसी को मतलब जितना इफेक्ट उसका है उसको थोड़ा सा उसे खराब कर देना है मतलब उसकी इफेक्ट को कम कर देना तो मतलब जैसे कि वोकल हमारा ऐसे है वफा मतलब के लिए अब लेते हैं तो उसे थोड़ा सा खराब कर देता है तो इसकी बेसिकली जरूरत भी नहीं थी इसमें तो ये इसका ज्यादा कुछ मतलब नहीं बनता तो इसे हम इग्नोर करते हैं और ट्रांसपोज ये ट्रांस्पोर्थ हमारे कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स के लिए यूज होता है जैसे कि हम किसी भी डांस सॉन्ग में यूज करते हैं इफेक्ट्स तो मतलब किसी फनी इफेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं जैसे कि हम ये देखिए तो हम अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं ये आपको अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा और ये है थ्रोट लेंथ। थ्रोट लेंथ लेंथ आप ऐसे यूज नहीं कर सकते इसके लिए आपको फॉर्मेट को ऑन करना पड़ेगा और फॉर्मेट को ऑन करने के बाद तो देखिए इस पर कैसे इफेक्ट आता है जैसे कि आपकी इसमें ये डिफाइन करता है आपके सिंगर की वोकल रेंज पर बेसिकली आप इसे यूज ना करें तो बेहतर होगा अगर यूज करें तो बहुत कम यूज करें मतलब इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपके सिंगर की वोकल रेंज को ज़बरदस्ती बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार पर मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत आपको कभी पड़ेगी तो इसे ऑफ रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा तो अभी हम करेक्शन मोड पर चलते हैं करेक्शन मोड में क्या है अभी हम काम कर रहे हैं अपने ऑटो मोड में हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना बस स्केल और उसकी सेटिंग्स से एक बार सिलेक्ट करके छोड़ देनी है बाकी सब काम ऑटोटून खुद ही करेगा और ग्राफ मोड में क्या है हमें अपना खुद एक एक चीज़ सिलेक्ट करनी पड़ती है उसके बाद ही ऑटोट्यून काम करता है तो ग्राफ मोड पर एक डेडिकेटेड वीडियो आगे आएगी तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब अगली वीडियो आए तो आपको टाइम पे मिल पाए तो अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ ऑप्शन में आपको कुछ इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं जैसे कि आप नोब कंट्रोल देख लीजिए ओरिजेंटल रेडियल जैसे रेडियल में करता हूँ तो उससे काम करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है देखिए ऐसे ऐसे पहले ये ऊपर नीचे हो रहा था अभी ऐसे ऐसे हम किसी भी एंगल में इसे कर सकते हैं तो वर्टिकल छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है और आप इन सेटिंग्स को ना छोड़ें मतलब बेसिकली ये उसके विंडो साइज बदल सकते हैं आप उसे बड़ा छोटा कर सकते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको तो इसे जितना भी है डिफ़ॉल्ट रहने दें और इसमें छेड़खानी ना करें तो अब हमारे ऊपर के सारे नोब्स कम्प्लीट हो चुके हैं अब हम नीचे के नोब्स पर बात कर लेते हैं रिटर्न स्पीड तो बेसिकली आपको मुझे लगता है पता ही होगा कि आप इससे अपने नोट्स को कितनी करेक्टली और कितनी शार्पली अपने सही करेक्ट नोट पर उसे लगवा सकते हैं तो इसका ज़्यादा कुछ वो मुश्किल नहीं है समझना तो अभी हम ह्यूमनाइज़ पर चलते हैं कि ह्यूमेनाइज़ क्या होता है बेसिकली ह्यूमनाइज एक इस तरह का जैसे ये इस इन दोनों का लिंक है आपस में जैसे कि आप कह सकते हैं कुछ नोट्स होते हैं हमारी सिंगिंग में जो बहुत छोटे होते हैं काम तो इम्पोर्टेंट होता है बट वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें रिट्यून स्पीड पकड़ नहीं पाता तो ह्यूमेनाइज़ क्या है उन्हें नेचुरली डिटेक्ट करता है रिटर्न स्पीड के लिए ताकि वो उन्हें अच्छे से पकड़ पाए और रिटर्न स्पीड उन्हें अच्छे से डिटेक्ट कर पाए तो ह्यूमेनाइज आप इसे फिफ्टी परसेंट रख सकते हैं अगर आप कोई ज़्यादा स्पीड में सॉन्ग गा रहे हैं और रिटर्न स्पीड उसे अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा तो आप इसे फिफ्टी परसेंट पर यूज़ कर सकते हैं और कुछ केसेज़ में ये हंड्रेड परसेंट या एटी परसेंट तक जा सकता है पर जो नॉर्मल स्पीड के सॉन्ग हैं तो आप उनमें अगर ना भी यूज़ करेंगे तो भी ये चल जाएगा और नेचुरल वेबरेटो ये तो आपको पता ही होगा कि आपको वेबरेटो क्रिएट करना होता है तो मतलब आपका जो नेचुरल वेबरेटो है जैसे कि आप कोई भी अपने सुर को हिलाते हैं तो उसे बढ़ा देता है आप बढ़ाया घटा सकते हैं आप इससे तो इन इसको आप ना यूज़ करें क्योंकि जो है उसे रहने दें आप अगर आपसे वेबरेटो लगता है तो उसे नेचुरली लगने दें इससे ना लगवाएँ क्योंकि इसी एक इससे आपका वोकल खराब भी हो सकता है और अगर इस बटन को आप दबा देंगे तो आपके वोकल्स में जितना भी वेबरेटो होगा कि आप कहां कहा आपका वोकल्स हिला है ज्यादा तो उसे ये बंद कर देगा तो डिपेंड करता है आप किस तरीके का सॉन्ग गा रहे हैं और और ये बटन काम करता है हमारी मीडिया में हम अपने तरीके से अपनी कीज सिलेक्ट कर सकते हैं और उन पर गा सकते हैं सेम चीज यही करती है कि आप अपने तरीके से इन कीज सिलेक्ट कर दीजिए और आप उन पर गा सकते हैं और उन उन नोट्स को टारगेट करके और अब हम चलते हैं हमारे पिच अमाउंट पर तो पिच अमाउंट क्या है मतलब इसका और इसका कनेक्शन है आपस में कि ये तो है कि आपको मतलब उन नोट्स को करेक्टली ज्यादा स्पीड से अपने सही नोट पर लेकर जाएगा और पीछे अमाउंट का क्या है कि ये आपको ट्यून इफेक्ट देगा उतना ज्यादा जितना ज्यादा आप इसे करेंगे अब जैसे कि हमारा ये है हम इसे बंद कर देते हैं बिल्कुल और अब देखते हैं कैसा इफेक्ट आता है। मतलब के लिए अब लेते हैं वोकल जितना नेचुरल है वो नेचुरल ही है बट जो जो नोट उसे सही जगह पर ले जाने की जरूरत पड़ रही है वो इसके जरिए ले जा रहा है बट ये उसमें ऑटोट्यून इफेक्ट नहीं डाल रहा अगर हम इसे ऑन कर देते हैं तो अब उसमें जो भी नोट्स हमारे नॉर्मल नोट्स भी है जो सही जगह पर हैं उन पर भी कुछ कुछ और इफेक्ट आएगा उसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वफा मतलब के लिए अब लेते हैं सभी? तो ये हो गया क्लियर तो अब हम बात करते हैं एक क्रिएटिव वाइब्रेटो इसका बेसिकली आप कह सकते हैं कि किसी सॉन्ग में काम है भी और किसी सॉन्ग में काम नहीं भी है जैसे कि अब मान लीजिए आप वेबरेटो नहीं लगाना जानते और आपको इससे लगवाना है तो कई बार इससे सही वेबरेटो लग भी जाता है और कई बार इससे सही वेबरेटो नहीं लगता तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि जब आप यूज़ कर रहे हों तो इसे ऑफ रखें आपसे वेबरेटो लगता है तो ठीक है नहीं लगता तो आप नॉर्मली सिंपल तरीके से भी गा सकते हैं तो देखिए सब नोब्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आपको ऑटो ट्यून का ऑटो मोड पूरा समझ आ चुका है अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट मैसेज के जरिए मैं वहाँ पर भी आपके इन क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूँगा तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही और एंड आउट